हेलो नमस्कार दोस्तों, नया सीखे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त दीपल बघेल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ओला को किस तरीके से बुक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही बेहतरीन अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं जहां पर आप बहुत ही ईजी तरीके से ओला कैब को बुक कर पाएंगे। यहां पर आपको ओला कैब को इंस्टॉल कर लेना है अपने प्ले स्टोर से। अगर आपको नहीं आता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर वो भी नहीं आता है तो मैं अदर वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको ये सब चीज़ें सिखा दूंगा। अगर आप लोगों को इतना आता है तो कैसे बुक किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पे पिन लोकेशन पे यहां पे क्लिक करना है। पहले अपने लोकेशन देख लेना कि ऑन कर रखी है कि नहीं कर रखी है आपने। उसके बाद आपको पिन लोकेशन पे यहां पे क्लिक करना है। पिन लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहां पे देख सकते हैं ग्रीन रंग की जो पिन है ये बता रही है आपको कि आप यहां पर हैं और आपके आसपास कितनी गाड़ियां यहां पर अवेलेबल हैं। और उसके बाद आपको कहां पे जाना है, वेयर वुड यू लाइक टू गो, आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद इंटरफेयर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन डालनी है, यानी कि हमें जैसे मान लीजिए हमें चांदनी चौक जाना है, यहाँ पर आपको चांदनी चौक डाल देना है। आप देखिए चांदनी चौक यहाँ पर पिन दिखा रहा है रेड रंग की, आप देख रहे हैं पिन यहाँ पर आ रही है। आप इसको कहीं पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको यहाँ पर। अगर आपको गूगल मैप में पता है कि मेरी जो लोकेशन है मुझे इधर जाना है और ये पिन गलत जगह रॉन्ग है, तो आप पिन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार जहाँ पर भी आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जाने पर आपको माइक्रो में 228 रुपये लगेंगे, मिनी में इतना रुपये लगेगा। यहाँ पर आप इसको इधर उधर चेंज करेंगे तो आपको पैसे भी आपको बता दिए जाएंगे कि यहाँ पर जाने पर आपको कितना रुपये लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो में 225, प्राइम में 457, ऑटो में से जाते हैं तो 186 और बाइक से 177। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं आपको जोन सी जैसे माइक्रो में जाना है तो हम माइक्रो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दो ऑप्शन मिल जाते हैं, राइड लेटर यानी कि आप बाद में सेलेक्ट करना चाहते हैं, अभी तैयार हो रहे हैं बाद में गाड़ी को बुलाना चाहते हैं तो यहां पर आप राइड लेटर कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल राइड नाउ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इंटरफेयर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंश्योरेंस का है, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इनेबल करें, नहीं तो डिसेबल भी कर सकते हैं, मैंने डिसेबल कर दिया है फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल पर एक ऑप्शन है, सेटअप पेमेंट का है और अप्लाई कूपन का है। तो पर्सनल पे आप लोग खुद ही राइड पर जाना चाहते हैं तो आप पर्सनल कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और को भेजना चाहते हैं तो अलग, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और यहाँ पर आप कैश का भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप UPI करना चाहते हैं तो UPI सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इंटरफेस का इस तरीके से नज़र आएगा, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी मोबाइल की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप सर्च में जहाँ जोन सा इंसान जाना चाहता है, यानी कि आज जैसे मेरा दोस्त जाना चाहता है तो मैं उसका यहाँ पर नाम लिखूँगा और कॉन्टैक्ट में उसका नंबर चला जाएगा, और जब भी ओला बुक होगी तो ओला जो ड्राइवर है वो उसको फ़ोन कर लेगा। अप्लाई कूपन का भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, अगर आपके पास कूपन कोड है वो कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कूपन कोड लगाना है। कंफर्म बुकिंग पर आप क्लिक करके इसको बुक कर सकते। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में दिक्कत आती हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आता रहूँगा।